नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। दोस्तों, यूपी में कोई भी वारदात होती है तो वो पूरे देश के लिए एक विषय बन जाती है। अभी हाथरस केस के ही मामले की जांच चल रही है, तो वहीं अभी बीती रात एक और मामला सामने आया है। यूपी के गोंडा के परसपुर इलाके में 3 नाबालिग लड़कियों के चेहरे पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। ये घटना है बीती रात की, जब तीनों लड़कियां छत पर सो रही थी तब रात के 2 बजे किसी ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। उसके बाद वो लड़कियां चिल्लाते हुए नीचे आई। जब उनके पिताजी ने देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि इन पर एसिड फेंका गया है। वो तुरंत उन्हें जिला अस्पताल में लेकर चले गए, जहां पर बच्चियों का इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए बताया है कि आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस उन जगहों पर भी तलाश कर रही है जहां अभी पिछले कुछ दिनों में ही तेजाब खरीदा गया है। आखिर यूपी में अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? उन्हें पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? भले ही योगी सरकार कितने भी दावे कर ले बेटी बचाओ के, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। आखिर कब तक आम इंसान डर के साए में जिएगा? कब हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? अरे हमसे ठीक तो वो बांग्लादेश है, जिसने विरोध प्रदर्शन के बाद बलात्कारियों को मौत की सजा की मंजूरी दे दी। हमारे देश में कब ऐसा कानून बनेगा? हम उम्मीद करते हैं योगी सरकार इन मामलों पर कड़ा एक्शन लेगी, जिससे आगे होने वाले अपराधों पर रोक लगेगी। लगातार खबरें जानने के लिए बने रहें हमारे ताज़ा न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।